हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन और हार्ट चक्रा का क्या कनेक्शन है, डिवाइन फेमिनाइन को अपना हार्ट चक्रा ओपन करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, और जब डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है तो फिर आपको डीएम में कौन से चेंजेस जो है दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं जो कोई भी पॉडकास्ट शेयर करती हूँ वो सारे के सारे डिवाइन के गाइडेंस के अंडर, उनके चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। सो चलिए, विदाउट एनी डिले आज हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जब आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक होता है तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा फियर के एनर्जीज में रहते हो, आपके खुद के इमोशंस को जो है समझ नहीं पाते हो। हार्ट चक्रा ब्लॉक होने से आप हमेशा आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में ही ज़्यादा सोचते हो, आप एक तरह से पास्ट में स्टक रह जाते हो, उन्हीं की यादें आपको आपके एक्स की यादें आपको बार बार आने लग जाती हैं, आप जो है किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, आप जो है काफ़ी सारे ग्रजेस अपने अंदर जो है होल्ड करते हो, तो इसकी वजह से जो है आपका लव ओपनली फ्लो नहीं हो पाता है, और ये आपके लिए भी काफ़ी पेनफुल होता है। भले ही आपको लगा हो कि उसने सामने वाले पर्सन ने मेरे साथ गलत किया वगैरह, इसके साथ ही साथ जो है आप ट्रस्ट इश्यूज को एक्सपीरियंस करते हो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको शाई फीलिंग हो सकती है, तो फिर आप आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप काफ़ी ज़्यादा शाय रहते हो, खुद को जो है आप आइसोलेट कर लेते हो, उसके बाद आपको जो है लोनली फीलिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा अकेले हो और आपको अकेला रहना जो है ज़्यादा पसंद आने लगता है, और अगर आप शाय हो रहे हो और उसके साथ आप अकेले भी रह रहे हो तो फिर आप सारे के सारे आपके इमोशंस जो है आपके अंदर आप दबा के रखते हो, तो वो इमोशंस जो है आपके अंदर से जो है रिलीज़ नहीं होते हैं। उसके साथ ही साथ आपको फिर कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, और आप जब कभी किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो आपको ऐसा लगता है कि निगेटिव ही होगा, उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो आप रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस भी आपने आपके अंदर दबा के रखा होता है, उन लोगों को भी आपने फर्गिव नहीं किया होता है, सो पास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने लग जाता है और आप ओवर डिफेंसिव हो जाते हो खुद को लेकर, और आप जो आपका जो एम्पैथेटिक नेचर है जो ह्यूमंस का नेचुरली होता है तो वो काफ़ी कम हो जाता है, आप काफ़ी रिजिड हो जाते हो, आपको ऐसे लगता है कि आप स्ट्रांग बन गए हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपके अंदर जो एम्पैथी है, आपके अंदर जो इमोशंस है दूसरों का दुख दर्द समझने के, वो काफ़ी कम हो जाते हैं। उसके साथ ही साथ आप जो है एंग्शियस फील कर सकते हो, स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो, यानी कि आप जो है सैड फील करते हो, आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि आप किसी स्ट्रेस में हो वगैरह, इस तरह की फीलिंग आपको आ सकती है। उसके साथ ही साथ जो है जो कोई भी लोग आपके करीब आना चाहे तो आप उन्हें जो है दूर अपने से करते रहते हो, यस। उसके साथ ही आपके साथ आपके अंदर जो है रिजेक्शन का फियर हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप के फेल्योर का फियर हो सकता है, कमिटमेंट इशू तो डेफिनेटली होते ही है। हमेशा दूसरों को वैल्यू देते हो, आपकी खुशियों को छोड़ के दूसरों का ख्याल जो है आप ज़्यादा रखते हो, और ख़ुद को जो है आप लास्ट में इम्पोर्टेंस देते हो, यानी कि खुद को आप हमेशा लास्ट रखते हो, आपकी खुशियाँ आपकी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ये सारी चीज़ें होती है हार्ट चक्रा ब्लॉक होने से। मतलब एक चक्रा जो है जो लव के लिए हम कहते हैं कि हार्ट ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर वही ब्लॉक हो जाएगा तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है आपके रिलेशनशिप में क्रिएट होगी, आपके और डीएम के बीच में क्रिएट होगी, तो फिर आपके डीएम जो है आपका प्यार जो है कभी समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और काफ़ी अगर आप दोनों साथ में आ भी गए तो इन सारे इश्यूज़ की वजह से जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े वगैरह बने रहेंगे, आप दोनों एक दूसरे से अलग होते रहोगे। सो गाइस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है हार्ट चक्रा ब्लॉक होने से। उसके साथ ही साथ एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन के सारे चक्रास जो है कनेक्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से जब एक डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने चक्रास पर वर्क करती है
और स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा पर वर्क करती है। अगर आपका चक्रा जो है बहुत ज़्यादा फिर ओवर एक्टिव है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, तो फिर आपके डीएम का चक्रा जो है इतना ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो जाएगा, और वो जो है कम इमोशनल फील करेंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, तो फिर ये इनबैलेंस जो है आप दोनों में क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए जो है डिवाइन फेमिनाइन को अपना हार्ट चक्रा ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को जो है बैलेंस में ला सके, यानी कि अपने इमोशनल साइड को और अपने प्रैक्टिकल साइड को, लॉजिकल साइड को बैलेंस में लेकर आ सके। जैसे ही एक डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट चक्रा ओपन होगा, इसका असर जो है उनके डिवाइन मस्कुलाइन पे पड़ता है, क्योंकि आपके चक्रास उनके चक्रास से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो आपका चक्रा जब बैलेंस में आएगा, तो डिवाइन मस्कुलाइन का भी चक्रा जो है थोड़ा थोड़ा ओपन होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग उन्हें चली जाती है, उसी तरह से आपके हार्ट चक्रा का भी होता है। तो अगर उनका हार्ट चक्रा ओपन होने लग जाएगा, उन्हें अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स जो है समझने लग जाएंगे कि एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं, वो किससे प्यार करते हैं, उन्हें क्या इमोशंस है आपके लिए, तो फिर वो आपकी तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपकी तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हार्ट चक्रा ओपन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए जो है डिवाइन मस्कुलाइन को रियलाइजेशन होता है अपने प्यार का, अपनी डिवाइन फेमिनाइन का, और उनका वो किससे प्यार करते हैं, उनका सच्चा प्यार कौन है, ये बातें जानने में उन्हें जो है थोड़ी सी हेल्प मिल पाती है। सो गाइस, ये चक्रा जब आप ओपन करोगे, तब आप आपके डिवाइन मस्कुलाइन में काफ़ी सारे चेंजेस देखोगे। आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन अब जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बहुत ज़्यादा अल्फ़ा मैन की तरह नहीं है, अब ये इमोशंस को समझ सकते हैं, अभी ये आपकी बातें सुनते हैं वगैरह, आपके साथ जो है इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सारे चेंजेस, ये सारे डिफरेंसेस जो है आपको उनके अंदर जो है नज़र आएंगे। सो गाइस, मेक श्योर कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर अभी तक आपने ये चक्रा ओपन नहीं किया है, तो प्लीज़ ये चक्रा ओपन करें। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं पॉडकास्ट एंड करती हूँ। बाय बाय।